वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम आपका स्वागत करते हैं ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में जो हमारा 40वां लेक्चर होगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लगभग आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन जो है से आपको पूछे जाते हैं अलग टॉपिक से, जिनके बारे में हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑयल प्रेशर गेज के बारे में होगा और वाटर गेज के बारे में होगा, वाटर लेवल गेज के बारे में होगा और जो है से आपका टेम्परेचर सेंसर के बारे में होगा। ठीक है, यानी कि जितने तरह के जो गेजेस होते हैं उसके बारे में होगा हमारा। तो देखिए, हमारा पहला जो है से ऑयल प्रेशर गेज है, यानी कि जो ऑयल का प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर के सामने जो है बहुत सारे गेजेस लगे हुए होते हैं, डायल गेज के रूप में आप देखते होंगे उसको। ठीक है, तो उन डायल गेजेस में जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेज लगाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि इसे आपका कुछ कुछ जो गेज है आपका स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए लगाया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर बैटरी लेवल को मेजरमेंट करने के लिए अलग गेज होता है, फ्यूल लेवल को मेजरमेंट करने के लिए अलग गेज होता है। ठीक है, ये एक डायल की तरह, डायल गेज की तरह आपका बहुत सारे गेजेस दिखते हैं। ठीक है, जो लगभग सेम इसी तरीके का रहेगा जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं इस फिगर में, जैसे दिखाए गए उस वैसा ही आपका रहेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो ऑयल प्रेशर गेज जो है हमारा, वो अगर ऑटोमोबाइल के आज आधुनिक सिस्टम में अगर हम बात करें नए सिस्टम में, तो हमारा जो है ऑयल प्रेशर सेंसर होता है एक, जो आपका उसका जो एक वायर होता है डूबा हुआ रहता है आपको ऑयल के साथ। ठीक है, और वो लेवल को सेंस कर करके आपको भेजता है किसको, तो ऑयल प्रेशर रिसीवर गेज को भेजता है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक सहारा हो गया। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गेजेस में हम लोग जो है फ्लोट प्रिंसिपल वाले गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल व्यवस्था होता है जो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि से एक हमारा, जैसे ये हमारा चैम्बर है जिसमें हमारा ऑयल होगा या फिर फ्यूल होगा या फिर आपका वाटर होगा, जैसे कुछ भी अगर सेंस करना है तो हमको इसमें, ये हमारा चैम्बर है। चैम्बर में क्या करते हैं कि से एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बॉल ले लेते हैं जो मतलब कि हल्का होना चाहिए। ठीक है, क्या करें कि वो जो आपका ऑयल है या फिर फ्यूल है या फिर आपका वाटर है उसके ऊपर वो फ्लोट करना चाहिए, उसके अंदर डूबना नहीं चाहिए वो। ठीक है, फिर इसको हम लोग जोड़ देते हैं एक आर्म के सहारे, आप गेज को जोड़ देते हैं। तो होता ये है कि इसे जितना लेवल रहेगा उतना ही लेवल के ऊपर ये बॉल जो है फ्लोट करते रहता है, और इसी का जो डिफ्लेक्शन है वो आपको जा कर करके मिलता है किसके साथ, तो डायल गेज को मिलता है। ठीक है, और डायल गेज पे इंडिकेशन आता है जिससे हमारा जो है हम लोग को ये पता चल पाता है कि इसे फ्यूल कितना बचा हुआ है। ठीक है, या फिर मतलब कि वाटर लेवल कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है आपको गेज पे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोट प्रिंसिपल पे काम करने के लिए हम लोग गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत सारे चीज़ों में होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें हमारा क्या होता है कि सेंसर लगा हुआ रहता है, ऑयल प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका ऑयल रहेगा उतना ही कम जो है रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये वायर, और उसी को सेंस करके यहाँ पे गेज जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो जाता है आपका, जो बैटरी के सहारे चलेगा। ठीक है, और फ्लोट प्रिंसिपल वाले जो है उसमें आपका जो है बैटरी का सहारा नहीं भी रहता तो चलता है। ठीक है, अब आते हैं फ्यूल इंडिकेटर वाटर टेम्परेचर गेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बायमेटालिक टाइप, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं क्रॉस कॉइल टाइप, इसी का नाम होता है, बायमेटालिक का ही नाम होता है क्रॉस कॉइल टाइप। ठीक है, अच्छा,
फ्यूल इंडिकेटर जो से जनरली क्रॉस कॉइल टाइप या फिर बाय मेटालिक टाइप हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय मेटल मेटालिक टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस कॉइल टाइप भी आपका सेम अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो होता इसमें क्या है, किसी एक्चुअल अगर अरेंजमेंट हम देखें तो ये हमारा ये बैटरी कनेक्शन यहाँ पे होता है हमारा, और एक हमारा जो है फ्यूल रिसीवर गेज है, ठीक है। अब इसी को हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं किसका, वाटर टेम्परेचर का अगर मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वाटर टेम्परेचर का यूनिट लगा देते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि फ्यूल लेवल का अगर मेजरमेंट करना है, या फिर ये हम कहें कि फ्यूल इंडिकेटर को अगर आपको दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल रिसीवर गेज यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा क्या होगा कि से एक हीट वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और एक जो से हमारा इधर भी हीट वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इस ये आपका जो है जितना ज़्यादा डूबा हुआ रहेगा फ्यूल के अंदर, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो करवा पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक ना, कि कम अगर रेजिस्टेंस रहा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि से फ्यूल का जो लेवल है वो बहुत कम है, और उस केस में जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है कम पास हो पाएगा, ठीक है। और उसको सेंस करके ये फ्यूल सेंसर जो है आपको इंडिकेट करता है डायल गेज पे, ठीक है। और सेम प्रिंसिपल पे इसके जगह पे हम अगर इसको लगा दें तो वाटर टेम्परेचर जो है से आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे। खाली यहाँ पे जो आप फ्यूल सेंसर जो है यहाँ पे हटा कर करके हम लोग एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग थर्मिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है से हमारा होता है रियोस्टेट चेंजेबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें हमारा थर्मिस्टर होता है जो कि सेम सेम टाइप दोनों जो है से रेजिस्टेंस ही हैं, एक वेरिएबल दोनों ही जो है से वेरी करने वाला रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है किसमें, फ्यूल इंडिकेटर में, ठीक है, या वाटर टेम्परेचर गेज में, जिसके प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा ऑटोमोबाइल में पढ़ने के लिए जो हमने अभी तक कवर किया, ठीक है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पोर्शन जो है हमारा समाप्त होता है, ठीक है। इसमें तकरीबन चीज़ें हमने कर ली है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंजन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इंजन का जो पोर्शन होता है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है ऑटोमोबाइल के लिए, और जो है से उसमें कौन कौन से चीज़ें लगी हुई होती हैं जिसके जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन आज सिलेबस ख़त्म होता है। थैंक यू।